हे गाइस, गाइस जैसे कि यूट्यूब ने फिर एक नए अपडेट के बारे में एक्सप्लेन किया, जैसे मोनेटाइज पॉलिसी को लेकर के कैसे क्या अपडेट है, सारा कुछ आप लोगों को जानकारी मिलेगा। उससे पहले अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का उसको प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि मेरा इस चैनल में ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड नए नए अपडेट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहता है। लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि यूट्यूब ने ये जो नया मोनेटाइज पॉलिसी को लेकर के मेंशन किया, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो उन्हीं के चैनल पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस जैसे कि जो चैनल मोनेटाइज होता है कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम, लास्ट 365 डे में 365 दिन में आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका चैनल रिव्यू में जाएगा, उसके बाद चैनल मोनेटाइज होता है। लेकिन गाइस अभी एक नया पॉलिसी ऐड कर दिया गया है यूट्यूब ने, जैसे कि मानो जो कम्युनिटी स्ट्राइक होता है या वार्निंग स्ट्राइक होता है, दो स्ट्राइक बेसिकली माना जाता है। तो ये दो स्ट्राइक के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले स्ट्राइक में क्या इफेक्ट आएगा जो मोनेटाइज करने का टाइम। तो गाइस देखो, पहले जो था सिर्फ चैनल का क्राउडेरिया कंप्लीट हो गया लास्ट 365 डे का, वो मोनेटाइज हो जाता है। बट अभी YouTube ने मेंशन किया, अगर आपका चैनल जो माइलस्टोन रखा है कंप्लीट हो गया है, आप रिव्यू में भेजना चाहते हो, उससे पहले अगर आपका चैनल में एक्टिव कम्युनिटी स्ट्राइक रहेगा, एक्टिव कम्युनिटी स्ट्राइक, तो आपका चैनल रिव्यू नहीं होगा, मोनेटाइज नहीं होगा। ये जो एक्टिव कम्युनिटी स्ट्राइक, तो इसका एक अलग से सेक्शन कर दिया गया है। आप लोग सोच रहे हो कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये बेसिकली YT स्टूडियो जो एप्स होता है उसमें नहीं मिलेगा। आपको डेस्कटॉप में YT स्टूडियो को ओपन करना है, ओपन करने के बाद जो साइड में हम लोगों को बहुत सारा आइकन शो होता है, उसी का बीच में एक मोनेटाइज आइकन शो होता है, तो उस मोनेटाइज आइकन में जैसे ही आप प्रेस करोगे, इसमें पहले जो था पहले कुछ इस तरह था, मतलब दो ग्राफ शो होता है, एक तो आपका सब्सक्राइबर कितना है, सब्सक्राइबर का जो मतलब एक मीटर जैसा शो करता है, सब्सक्राइबर का काउंट कितना हुआ, 1000 सब्सक्राइबर हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद वॉच टाइम शो करता है। बट गाइस अभी तीन प्रकार का आप लोगों को ग्राफ्स देखने को मिलेगा, तीन प्रकार का मीटर बॉक्स जैसा देखने को मिलेगा। एक तो हो गया आपका 1000 सब्सक्राइबर का बॉक्स हो गया, और एक हो गया वॉच टाइम का बॉक्स, और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कम्युनिटी स्ट्राइक का बॉक्स। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एक कम्युनिटी स्ट्राइक क्या है और वार्निंग स्ट्राइक क्या है। तो कम्युनिटी स्ट्राइक जो होता है, यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइन होता है, पॉलिसी होता है, अगर कोई ऐसा आपका कंटेंट है जो यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन जो है उसको वायलेट कर रहा है, तो आपका चैनल पर एक्टिव कम्युनिटी स्ट्राइक मिलेगा। अदरवाइज जो वार्निंग स्ट्राइक होता है, मानो आपका जो कंटेंट, कोई ऐसे क्रिएटर का कोई भी चीज आपने यूज किया, किसी के बारे में आप कंट्रोवर्सी या गलत सलत बोलोगी, तो वो चाहे तो आपको वार्निंग स्ट्राइक दे सकता है। जो वार्निंग स्ट्राइक का जो मतलब सोल्यूशन होता है, वो सॉल्व करने के बाद वार्निंग स्ट्राइक जो होता है वो हट जाता है, बट कम्युनिटी जो स्ट्राइक होता है वो नहीं हटता है, 3 महीने के लिए रहता है। अगर 3 महीने के अंदर में और 2 स्ट्राइक मिल जाता है, तो आपका चैनल जो होता है परमानेंट के लिए डिसेबल सस्पेंस हो जाता है, आपका रिव्यू करने का जरूरत नहीं है, मोनिटाइज करने का भी जरूरत नहीं है। बट गाइस अभी ये जो नया स्ट्राइक, ऐसे तो मानो अब अगर आपका चैनल पर ऐसा लग रहा है जो आपका चैनल का क्राउड एरिया जो माइलस्टोन है वो कंप्लीट होने ही वाला है, और कुछ ही दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा, आप चैनल को रिव्यू के लिए भेजना चाहते हो या मोनेटाइज करना चाहते हो, उससे पहले अगर एक कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाए तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। एक वार्निंग स्ट्राइक आ जाने से आपका चैनल मोनेटाइज तो होगा, बट वार्निंग स्ट्राइक हट जाता है। लेकिन गाइस मानो अब मोनेटाइज करने का टाइम ही आपका चैनल पर एक कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाए, तो वो तो 90 दिन से पहले तो हटने वाला नहीं है, तो 90 दिन के बाद जब हटेगा तब फिर से आपका चैनल का जो माइलस्टोन है वो फिर आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि लास्ट 365 डे का माइलस्टोन देखा जाएगा यूट्यूब मोनेटाइज का टाइम में, 4000 आवर्स वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर, ये काउंट किया जाएगा। बहुत ही एक बैड अपडेट है, यूट्यूब ने ऐसा नहीं करना चाहिए, बट गाइस यूट्यूब ने ये पॉलिसी लागू कर दिया तो ये तो हटने वाला नहीं है। तो अभी ये सवाल आ जाता है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो गाइस इसका सोल्यूशन, जो आपको फॉलो ज्यादा करना है, आप जो भी टॉपिक जो भी कॉन्टेंट फाइंड कर रहे हो उसी में कोई ऐसा चीज उसमें दोहराओ मत जो कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करे, ताकि स्ट्राइक ना आए, उसके बाद आप कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिना स्ट्राइक से आपका चैनल मोनेटाइज इजीली हो जाएगा। तो यही एक बैड अपडेट है, जो यूट्यूब को ऐसा पॉलिसी ऐसा चेंजेस नहीं करना चाहिए था। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में कुछ नॉलेज मिला, कुछ जानकारी मिला, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो भी जरूर कर लेना। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए।